कभी सोचा नहीं था कि हम मोदी जी से ऐसे आमने सामने क्वेश्चनिंग करेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं 10 में से 11% एक्साइटेड हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल बात है कि हम अपने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नगवेल भोपाल प्रो पीपीसी। भी बातें हमें बताएंगे, हम अपने फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा साथ ही साथ। प्रधानमंत्री जी कृपया परीक्षा पे चर्चा 2024 शुरू करने हेतु मंच पर पधारें। मतलब कि मोदी जी जस्ट एंटर किए ना, मैं सोची नहीं थी कि मेरे पास आके बैठेंगे, मैं सोची कि स्टेज में बैठेंगे। बहुत अच्छा लगा। सिर्फ बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आई गेस आई एम रियली लकी गर्ल बिकॉज आई गॉट टू सीट बिसाइड आवर यू नो प्राइम मिनिस्टर एंड आई ऑलरेडी टोल्ड माय होल फैमिली। From our family, it's first time that I am meeting Modi from our side now, so it's, they are really proud of me. Vanakkam, Honorable Prime Minister sir. Vanakkam, vanakkam. मतलब उनका नेचर मैंने थोड़ा फ्रेंडली सोचा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो फ्रेंडली निकले। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना है। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता, जैसे ही आप पहले दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो वहाँ पे सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे और उनके आइडियाज़ मतलब पूरे प्रोफेशनल आइडियाज़ थे, और अगर वो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारे देश में अगर लागू होते हैं तो शायद भारत पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। जब PM आए I was like, really, ये क्या हो रहा है क्या? मैंने जब उन्हें बताया कि ये प्रोग्राम हाइट नाप सकता है, तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी हाइट नाप होता, लाइक इट वॉज यू नो एक तरीका था उनका मेरे को काम डाउन करने का। तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ एंड आई गेस मैं आगे भी और चीज़ें और प्रोजेक्ट्स बनाना कंटिन्यू करूँगा। उन्होंने स्टूडेंट के बारे में इतना कुछ सोचा है जो कि आज तक शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने बुक भी लिखा था। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि उन्होंने मेरा स्ट्रेस ना और भी कम कर दिया एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो अगर कोई हर बच्चा उसको मतलब टीवी पे भी देखे ना तो बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और मैं इनको शायद मैं मरने के बाद भी ना भूलूं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज सीखने का ट्राई किया और अलग अलग कल्चर के बारे में जानने का ट्राई किया। बहुत अच्छा लग रहा है और इमोशंस, ओह माय गॉड, मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरा यहाँ से हिलने का भी मन नहीं है।